पानीपत में खाकी पर फिर से सवाल उठा है और पुलिस का सेवा सुरक्षा व सहयोग का नारा भी फेल होता नजर आया है। इस बार पुलिस और वकील आमने सामने हो गए। वहीं पुलिस कप्तान के कार्यालय के वकीलों ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि बीते रोज पुरेवाल कॉलोनी के मोड़ पर संकरे रास्ते से गाड़ी निकालने को लेकर सीआईए 2 के स्टाफ और वकील के बीच विवाद हुआ था। सीआईए के सिपाही सन्नी व वकील साहिल के बीच हाथापाई तक हो गई। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद वकीलों ने हंगामा कर दिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हुए थाना मॉडल टाउन में शिकायत दे दी। आज वकीलों ने सिपाही के बर्खास्तगी की मांग करते हुए 3 दिवसीय वर्क सस्पेंड का ऐलान किया है। पुरेवाल कॉलोनी के रहने वाले साहिल ने बताया कि वह पेशे से वकील है। वह पानीपत कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। बताया कि वह रविवार शाम करीब 6 बजे बाइक से घर की तरफ जा रहे थे। कॉलोनी के मोड़ पर संकरा रास्ता है। वह गली में कुछ दूर पहुंचे ही थे कि तभी सामने से सीआईए 2 की गाड़ी आते हुए दिखाई दी। यह देख उन्होंने बाइक को साइड लगा ली, लेकिन एक घर के आगे सीढ़ियां बनी होने से पुलिस की गाड़ी रुक गई। उन्होंने थोड़ा पीछे गाड़ी करने को बोला तो गाड़ी में बैठे सिपाही सन्नी ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसके लिए रोका तो सिपाही गाड़ी से अपने साथियों संग उतर आया और हाथापाई करने लगा। आज पानीपत बार एसोसिएशन में वकीलों ने बैठक कर फैसला लिया और पुलिस कप्तान के कार्यालय पहुंचकर हंगामा करते हुए सिपाही सन्नी को बर्खास्त करने की मांग की। हालांकि पुलिस कप्तान आज बाहर थे और इसके लिए डीएसपी वीरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने वकीलों को समझाया, लेकिन वकील अपनी मांग पर अड़े रहे और कहा जब तक सिपाही को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक न्यायालय में वर्क सस्पेंड रहेगा। फिलहाल डीएसपी ने आश्वासन दिलाया कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। पुलिस घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी की जांच कर रही है। हमारे साथी एडवोकेट साहिल के साथ सीआईए स्टाफ के पुलिस कर्मचारियों ने बदतमीजी करी, मैन हैंडलिंग करी और ये पता होते हुए कि एडवोकेट साहिल लॉ ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा आदमी है, उसके साथ मैंने हैंडलिंग करी थप्पड़ मुक्के मारे, जो उनकी इस कार्य की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सभी वकील कड़ी निंदा करते हैं और एसपी साहब से, हरियाणा के मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं कि दोषी कर्मचारियों को टर्मिनेट किया जाए और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। जब एक लॉ ग्रेजुएट जो कोर्ट के अफसर हैं, एक एडवोकेट ही कोर्ट ऑफिसर, जब एक कोर्ट ऑफिसर के साथ पुलिस सरेआम ऐसी गुंडागर्दी कर सकती है तो आम आदमी को न्याय कहाँ मिलेगा? क्यों करी उसने, ऐसा क्या मामला था सामने? हमारा वकील साथी अपना घर जा रहा था मोटरसाइकिल पे, सामने से सीआईए स्टाफ के एम्प्लॉइज गाड़ी पे आ गए तो उसने अपनी गाड़ी साइड में लगा ली और तमीज से ये कहा, आगे जो था रैंप था गाड़ी उनकी आगे नहीं आ सकती थी और मोटरसाइकिल भी आगे पीछे नहीं जा सकती थी, तो सिर्फ उसने रिक्वेस्ट करी कि सर ये दो अपने थोड़ा सा पीछे कर लो, 2 कदम मेरी मोटरसाइकिल निकल जाएगी फिर आप निकल लेना। उस पर उन्होंने अपनी दींगा मुस्ती करते हुए गाड़ी गंदी गंदी गाड़ियाँ बदी बकी और उसके बाद उतर के उनके साथ मारपीट करी और उनको थप्पड़ मारे वकील साथी को मारे। तो एक जब सभ्य आदमी जो पढ़ा लिखा जो कानून का ज्ञाता है जो लोक अफसर है, अधिकारी का पता लगा कौन था किसने? नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन सारा सीसीटीवी कैमरे में आया हुआ है, सीसीटीवी कैमरे में हर चीज़ है। और पुलिस जो है, जो सीए स्टाफ जो है, वो अपने स्टाफ को बचाने के लिए अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन हमारा वकील समुदाय इस बात से बिल्कुल डरने वाला नहीं है। चाहे हमें सरकार से लड़ से लड़ी जानी पड़ जाए, हम अपने वकील साथी को न्याय दिलवा के रहेंगे। कितने पुलिसकर्मी थे? कितने पुलिसकर्मी थे? दोनों तरफ से, पार्टी की तरफ से कंप्लेंट दी गई, कंप्लेंट पे दोनों तरफ से एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। तो हमारे कुछ वकील साथी हमसे मिलने आए थे तो उनकी कुछ डिमांडें हैं वो हमने सुनी है और बिल्कुल न्यायोचित तरीके से बड़े बढ़िया माहौल में बातचीत हुई है और हमें उम्मीद है कि थोड़ी देर में हम इसको शाम तक या कल सुबह तक निपटा देंगे। सर, हर बार पुलिस पर आरोप लगते हैं कि कभी आम जनता लगाती है, इस बार वकील लगा रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि वो उनको सस्पेंड किया जाए। देखिए सर, ये जांच का विषय है। देखिए, आरोप लगाने से कोई कुछ भी कह सकता है। देखिए, संविधान और कानून सबके लिए बराबर है। नहीं, सीआई इंचार्ज पे आरोप लगे हैं कि उसने एक वकील को कहा कि बीच से पाड़ देंगे, ये भाषा क्या ठीक है? देखिए ऐसा, ये आरोप लगाया गया है। आप सभी यहाँ उपस्थित थे, मैंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर कोई ऐसी बात हुई आप कंप्लेंट दीजिए, हम उसकी जांच करा लेते हैं। अगर जांच में वह दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी।
एफआईआर के बारे में हमने ये कहा भाई आप चूज कीजिए कौन सा आईओ चाहिए आपको, जो आईओ चाहेंगे टीम बना के जांच हो जाएगी, जो मुकदमे में न्याय उचित हो कार्रवाई कर देंगे। वो जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। देखिए क्या है, हम किसी की उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते कि वो क्या करना चाहते हैं, वो हमारे पास आए, बड़े बढ़िया माहौल में बातचीत हुई है और उम्मीद है कि शाम तक ये मामला सॉर्ट आउट। सर जब भी कुछ नहीं, हमारे भाई हैं समझाएंगे बिठा। सर जब भी पुलिस पर आरोप लगते हैं कार्रवाई नहीं होती आपके कर्मचारियों पर, सिर्फ उस उनको लाइन हाजिर करके साइड में कर दिया था, क्या करें? कोई बात नहीं है, सबसे ज्यादा एक्शन अगर होता है तो पुलिस में होता है। आप और डिपार्टमेंट से कंपैरिजन कर लीजिए या किसी भी डिपार्टमेंट को, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, जितना एक्शन पुलिस में होता है इतना किसी डिपार्टमेंट में नहीं होता। आप किसी डिपार्टमेंट को उठा लीजिए, जुडिशरी को उठा लीजिए, फूड एंड सप्लाई, किसी को, तहसील को, किसी को भी उठा लीजिए, पुलिस सबसे पहले टाइम पे पहुंचती है और सबसे ज्यादा एक्शन करती है और सबसे ज्यादा एक्शन भी उनके खिलाफ होता है। मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। हाँ हमें उम्मीद है, हमारे वकील साथी आए थे, शाम तक हम सोच रहे हैं कि इसको निपटा। सर मेडिकल नहीं करवाया तो मैं चेक कर लेता हूँ, अगर है तो उसको चेक करा। ब्रेकिंग न्यूज, राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक